हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी जूम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैसलीन के न्यू लॉन्च बॉडी लोशन का रिव्यू। वैसलीन ने अभी हाल ही में कूलिंग इफेक्ट वाले दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक है वैसलीन आइसक्रीम और सेकंड है इसका बॉडी लोशन। तो फर्स्ट जो वैसलीन आइसक्रीम है उसका रिव्यू आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इनका प्रोडक्ट है वो है ये वैसलीन का बॉडी लोशन, ये है वैसलीन का आइस कूल हाइड्रेशन वैसलीन जेली बॉडी लोशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसके पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग वही पुरानी है लेकिन कलर थोड़ा अट्रैक्टिव डाला है, जैसे कि मेरे नेल पेंट से भी मैच हो रहा है, आप देख रहे हो। और इसकी डिटेल की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इंस्टेंट कूलिंग देता है, साथ ही आपकी स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट रखता है। 200 ml की ये बॉटल है और इसकी कॉस्ट 210 रुपये है। और सेल्फ लाइफ की बात करें तो 2 साल की इसकी सेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी। और इसकी 2 साइज़ अवेलेबल है गाइज, एक तो ये छोटी बॉटल 200 ml की है और दूसरी है वो 400 ml की है, और उसकी कॉस्ट है 259। और उसमें आपको पंप मिल जाएगा, जिससे कि आपको प्रोडक्ट निकालने में ज़्यादा इजी होएगा। पंप वाली बॉटल मुझे काफ़ी पसंद आती है। इसका जो कैप है वो अच्छा है, टाइटली बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सा ये बॉडी लोशन है। अब मैं आपको इसे दिखा देती हूँ कि इसके जो प्रोडक्ट है उसका टेक्सचर कैसा है। तो ऐसी बॉडी लोशन जैसा ही टेक्सचर है, रनी टेक्सचर है इसका। और ये लगाने के बाद कैसा इफेक्ट आता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जरा सा बॉडी लोशन मैंने लिया, वो दोनों हाथों के लिए इनफ था। तो फ्रेंड्स, ये वैसलीन के जो दूसरे बॉडी लोशन है उनके जैसा नहीं है। वैसलीन ने इससे पहले अभी ग्रीन टी वाला और लेवेंडर वाला भी बॉडी लोशन लॉन्च किया था, उसका रिव्यू भी मेरे चैनल में है, आप जाकर देख सकते हैं। वो भी काफी अच्छे बॉडी लोशन है। उससे लगाने के बाद बहुत ज्यादा आपको वो मॉइस्चराइजर वाली जो फीलिंग होती है वो मिलती है, लेकिन इसको लगाने के बाद आपको थोड़ी सी कूलिंग सेंसेशन मिलती है और ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि आपने कुछ लगाया भी है या नहीं। तो इस प्रोडक्ट के लिए कंपनी कहती है कि ये आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है, साथ ही साथ ये हीट से और ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि ये एक जेल लोशन है, तो इसमें आपको उस तरह का मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलेगा जैसा कि वैसलीन के अदर बॉडी लोशन में आपको मिलता है। अब मैं बता दूं कि कंपनी जो ये दावे कर रही है क्या वो सही है, और ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो किन लोगों को ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो जो इसमें सबसे पहली चीज है, इसकी जो इसकी की इंग्रेडिएंट्स है वो है इसकी कूलिंग इफेक्ट। तो इसे लगाने के बाद बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाली, बहुत लाइट सी कूलिंग इफेक्ट आपको इसे लगाने के बाद मिलेगी। इसकी फ्रेग्रेंस नो डाउट अच्छी है, बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है इसकी। ये जो प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए सही है जो कि ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले वेदर में रहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट अच्छा है, सूटेबल है। लेकिन और जो नॉर्मल स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले जो हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इससे आपको उतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं मिलता है जैसा कि वैसलीन के और बॉडी लोशन में आपको मिल जाएगा। एक्चुअली इसे बनाया भी उसी पर्पज से गया है कि जहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी हो वहां वाले इसे इजिली लगा सके। तो गाइज, मैंने आपको बता दिया कि ये जो बॉडी लोशन है कि किन लोगों के लिए अच्छा है और सूटेबल है। अगर फिर भी आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक छोटी वाली बॉटल मंगाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यही था मेरा वैसलीन के इस न्यू लॉन्च बॉडी लोशन पर छोटा सा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।